सब्सक्राइब करें पशुधन यूट्यूब चैनल को और वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पशुपालक भाइयों प्रणाम। पशुधन यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर जयसिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोई भी किसान जो पशुपालन करता है वह ये जानता है कि पशुपालन में सबसे ज़्यादा खर्च पशुओं के आहार प्रबंधन पर होता है, लेकिन अगर संतुलित आहार ना हो तो यह आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। बकरी पालन में भी अगर बकरियों को संतुलित आहार नहीं दिया तो आपका बकरी फार्म एक घाटे का सौदा हो सकता है। इसलिए दोस्तों, हम अगले कुछ वीडियो में बकरियों के आहार पर बात करने वाले हैं, जिसपे हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जैसे बकरियों का संतुलित आहार कैसा होना चाहिए, बकरियों को आहार में क्या क्या देना चाहिए और क्या क्या नहीं देना चाहिए, फीडिंग हैबिट्स ऑफ गोट्स यानी बकरियों की खाने की आदतें, गाभिन बकरियों का आहार प्रबंधन, बकरियों की आहार की ज़रूरतें ड्राई मैटर बेसिस पर कैसे नापते हैं और ये ड्राई मैटर बेसिस एग्जैक्टली होता क्या है, बकरियों के आहार में लवण मिश्रण यानी खनिज मिश्रण मिनरल मिक्सचर का महत्व इत्यादि। दोस्तों, इसके अलावा आपके पास अगर कोई आहार विषयक समस्या या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम उस पर एक वीडियो बनाकर चर्चा कर सकें। तो दोस्तों, आज के सबसे पहले वीडियो में हम बात करेंगे बकरियों का पाचन तंत्र कैसा होता है। दोस्तों, अगर हमें आहार विषयक समस्या से निजात पानी है तो बकरियों का पाचन तंत्र जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हमें बकरियों को संतुलित आहार देना है वो भी कम से कम खर्चे में, तो हमें बकरियों के पाचन तंत्र के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बकरियों के पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे तभी जान पाएंगे कि बकरियों को क्या क्या खाना देना चाहिए और क्या खाना नहीं देना चाहिए, कब देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं बकरियों के पाचन तंत्र के बारे में। दोस्तों, बकरियों का जो पेट होता है वो हमारे पेट जैसा नहीं होता। हमारा पेट सिंपल स्टमक, एक छोटा सा स्टमक होता है, जबकि बकरियों का पेट कंपाउंड स्टमक होता है, यानी बकरियों के पेट के चार हिस्से होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमैजम और अबोमैजम, ये चार हिस्से बकरियों के पेट के होते हैं। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी छोटा आंतड़ा और बड़ा आंतड़ा। दोस्तों, बकरियों में जो बकरियां होती है वो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, यानी बकरियां जो भी खाती है वो सारा चारा पचाने के लिए पेट से फिर एक बार वापस मुँह में लेती है और फिर उस चारे को चबा चबा कर छोटा कर देती है और उस चारे में बहुत सारी लार यानी सलाइवा मिक्स करते हैं, ताकि ये जो चारा है वो पचाया जा सके। दोस्तों, अब बात विस्तार से करेंगे कि बकरियों का जो पाचन तंत्र होता है वो एग्जैक्टली काम कैसे करता है। जब बकरियां चारा खाती है तो वो बहुत कम चबाती है और सारा चारा बड़ी तेज़ी से खाती है और फिर वो जब आराम करती है तो जुगाली करती है और जुगाली करते वक्त थोड़ा थोड़ा चारा वापस मुँह में लेती है, चबाती है और फिर पेट में जाता है। वो ज़्यादा पचा हुआ और पचाने में आसान चारा होता है। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया से आप एक बात समझ गए होंगे कि बकरियों ने जो भी चारा खाना खाया है उसे पचाने के लिए बकरियों को आराम देना बहुत ज़रूरी है। जब तक बकरी आराम नहीं करेगी अपने आसपास के वातावरण में खुद को सहज महसूस नहीं करेगी तब तक वो जुगाली नहीं करेंगे, और अगर जुगाली नहीं की या कम की तो चारा बिना पचाए ही गोबर के साथ बाहर आएगा। इसके अलावा यहाँ ये भी याद रखिए कि चारा खाने के दो समय में पर्याप्त अंतर होना चाहिए, ताकि खाया हुआ जो चारा है, जो खाना है वो पचाया जा सके। दिन भर अगर बकरियों के सामने खाना होगा तो बकरियाँ जुगाली बहुत कम करेंगी और आपके फार्म का बहुमूल्य चारा बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जब आप बकरियों को सूखा चारा देते हैं तो बकरियों को 24 घंटे पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए, ताकि सूखा चारा अच्छी तरह से पचाया जा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं पचन क्रिया की। सिंपल स्टमक जानवरों में तथा इंसानों में केमिकल डाइजेशन होता है, यानी खाना जो खाया है उस पर कुछ केमिकल जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन इत्यादि होते हैं जो विघटन खाने का करते हैं और हम इसे खाना पचा सकते हैं। इसी ट्रिप्सिन पेप्सिन की वजह से हम और सिंपल स्टमक जो जानवर होते हैं वो खाना पचा सकते हैं। लेकिन बकरियों में माइक्रोबियल डाइजेशन होता है, यानी बकरियां जो भी खाना खाती है उसे पेट में बैक्टीरिया यानी जीवाणु खाते हैं, यानी
बकरियों ने जो भी खाया है उसका विघटन जीवाणु करते हैं और खाया हुआ चारा पचाते हैं। यही कारण है कि घास और चारा जैसे जिसे हम पचा नहीं सकते उसे बकरियां बड़ी आसानी से पचाती है। दोस्तों यहां एक बात समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा जीवाणु बकरियों के पेट में होंगे उतनी बकरियों की पाचन क्षमता अच्छी होगी। तो हमें बकरियों को ऐसा कुछ भी नहीं देना चाहिए जिस वजह से इन जीवाणुओं की संख्या कम हो जाए या घट जाए। दोस्तों जब आप बकरियों को हरा चारा, सूखा चारा और ज़रूरत के हिसाब से दाना मिश्रण देते हैं तब जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होती है। और जब आप बकरियों को खाने में अचानक बदलाव करते हैं, खासकर दाना मिश्रण की जगह अगर आप दाना मिश्रण अचानक बढ़ाते हैं, अचानक घटाते हैं या अलग प्रकार का दाना मिश्रण देते हैं, तो पेट का जो पीएच होता है वो बिगड़ जाता है और जीवाणु मरने लगते हैं, उनकी संख्या कम होने लगती है और इसी वजह से पाचन क्रिया बाधित होती है। इसीलिए दोस्तों बकरियों के आहार में हरा चारा, सूखा चारा और दाना मिश्रण हमेशा रखें। और अगर खाने में कुछ बदलाव करने हैं तो वो धीरे धीरे, मतलब 10 से 15 दिनों के अंदर ये धीरे धीरे बदलाव करते जाए। अचानक बदलाव किए तो जीवाणु मर जाएंगे और फिर पाचन क्रिया बाधित होगी। इसके अलावा दोस्तों बकरियों के पेट में जीवाणु विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शरीर में ही तैयार करते हैं, इसलिए बकरियों को बाहरी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों ये था पाचन संस्था के बारे में हमारा एक छोटा सा वीडियो। इस वीडियो से आपको एक कल्पना आ जाएगी कि बकरियां पचाती कैसे हैं। और इसी बात से हम आगे चालू करेंगे कि बकरियों को आहार में क्या क्या देना चाहिए। यह आहार के बारे में हमारा पहला वीडियो था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने पशुपालक बकरी पालक दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। कोई समस्या, कोई सुझाव या गलती से मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या कुछ बचा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, चैनल पर आप पहली बार आ रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो दोस्तों जल्द ही फिर से मिलेंगे आहार संबंधी एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।